दुबई जेल में कैद बांदा की बेटी शहजादी को 21 सितंबर को दी जाएगी फांसी। पीएम मोदी से परिजनों ने लगाई गुहार। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अबू धाबी जेल में कैद यूपी के बांदा की निवासी दिव्यांग शहजादी को 21 सितंबर को फांसी की सजा दी जाएगी। यूएई की कोर्ट ने 21 सितंबर को शहजादी को फांसी के फंदे पर लटकाने का वक्त मुकर्रर कर दिया है। ये खबर आते ही पीड़िता शहजादी के घर में कोहराम मच गया है। फांसी की सजा पाई शहजादी के बूढ़े माता पिता रो रो कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी को बचाने के लिए फरियाद कर रही हैं। आपको बता दें कि बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव गोरा मुगली के रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम कर रही थी। फेसबुक के जरिए आगरा निवासी उजैर से शहजादी का संपर्क हुआ था और कथित मानव तस्कर के प्रेम जाल में शहजादी फंसी चली गई। चूंकि शहजादी का चेहरा जला हुआ था और उजैर ने उसे इलाज के लिए आगरा बुला लिया और वहां से उसे इलाज करने के नाम पर आगरा के मूल निवासी और वर्तमान में दुबई में रहने वाले दंपत्ति फैज और नादिया के हाथ शहजादी का सौदा कर उसको दुबई भिजवा दिया, जहां शहजादी को घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता था और फैज और उसकी पत्नी के टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता था। इसी बीच फैज का बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसका इल्जाम दुबई में रहने वाले इस दंपत्ति ने शहजादी पर लगाते हुए उसे गिरफ्तार करा दिया था। दुबई की कोर्ट ने 4 महीने पहले ही शहजादी को बच्चे की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर शहजादी के परिजनों ने बांदा सीजीएम कोर्ट में फरियाद कर कोर्ट के आदेश पर आरोपी उजैर और दुबई में रहने वाले दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। साथ ही पीएम मोदी से शहजादी को बचाने की फरियाद भी की थी। शहजादी के परिजनों के मुताबिक अबू धाबी के जेल में शहजादी को अपने परिजनों से बात करने की छूट दी गई थी और शहजादी ने अपने पिता को फोन करके बताया और वहां की कोर्ट के आदेश भी भेजे हैं, जिसे ये पता चला है कि इसी महीने यानी 21 सितंबर को शहजादी को सजाए मौत देने का समय मुकर्रर कर दिया गया है। पीड़िता शहजादी ने अपने पिता से फोन पर बात करते हुए समाज सेवी और राजनीतिक दलों से मदद मांगी है और कहा है कि वो अबू धाबी की जेल से छूटने के बाद अपने साथ हुए अत्याचार को सबके सामने लाना चाहती है। आपको बता दें कि फेसबुक के जरिए आगरा निवासी उजैर ने पहले शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद उसका विदेश में इलाज कराने के नाम पर उसके गहने और दिव्यांग कार्ड एटीएम बैंक में जमा सारा पैसा सब कुछ अपने कब्जे में लेने के बाद उसे दुबई में रह रहे दंपति फैज और नादिया के हाथों बेच दिया था। फैज और नादिया के बेटे की परवरिश शहजादी ही करती थी, लेकिन एक दिन उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और उसकी मौत हो गई, जिस पर दंपति ने शहजादी पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया और दुबई कोर्ट ने शहजादी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी और वो तब से जेल में ही बंद है। हालांकि परिजनों की प्रार्थना पर बांदा सीजेएम भगवान दास गुप्ता ने आरोपी उजैर और दंपति फैज और नादिया के खिलाफ मानव तस्करी धोखाधड़ी के तहत गंभीर धाराओं में पुलिस को मुकदमा दर्ज कर आरोपी आगरा निवासी उजैर और दुबई में रह रहे इस दंपति की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए थे, जिस पर पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ फांसी का वक्त मुकर्रर होने से शहजादी के परिजनों में कोहराम मच गया है और वो पीएम मोदी से अपनी बेटी को बचाने की फरियाद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फर्जी आरोपी यूएई में फांसी की सजा पा चुकी इस बेबस महिला को जीवनदान मिलता है या फांसी के फंदे में लटक कर बेबस मौत। उत्तर प्रदेश से बिहार न्यूज एक्सप्रेस के लिए अनिश मिश्रा की रिपोर्ट। नाम सबीर खान है, मैं ग्राम गोरा मुगली का रहने वाला हूँ, जिला बांदा थाना मटौन। ये कल मेरी लड़की फोन आया था, बहुत उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बादशाह से बात करें कि मेरी लड़की फांसी रुकवाए और जांच करवा दे मेरी लड़की को, अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, मैं इसको छुआ छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल में? वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांदा में काम करती है और कोई पूछ सकता है और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था, उसको नशा था ये काम करने गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का एक आगरा का रहने वाला है, नई मंडी थाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएँ, यहाँ क्या होता आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांस लिया। चार महीने 21 दिन का बच्चा था, वहाँ दो टीके लगते हैं,
वो टीके लगते हैं, जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात को बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन दिन भर और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कचहरी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्ट मार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई और 2 बजे रात के करीब मिट्टी दे घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारपोर की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कि इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और एक कसम, वहाँ सरकार वो अदालत कसम मांगती है वहाँ की हलफ, तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुंच रहा है, वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहाँ खा रहा है झूठी। ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को हिसाब नहीं मिलेगा, वैसी मर जाएगी। अच्छा बताया जा रहा आपकी बेटी खाना बनाते समय जल गई थी, तो क्या कोई इलाज का भी बहाना था उसको ले जाने का? नहीं नहीं, वो तो बचपन में जल गई थी सर, ऐसा बताया जा रहा है, उजर ना इलाज का बहाना। ये फेस शख्स जल जाता है तो उसका फेस बिगड़ा ही रहता है, कितना इलाज हो। उसने उसका लालच दिया कि वहाँ जाओगी तो मेरे बुआ फूफा वहाँ के वहाँ अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा देंगे, और वहाँ ये बहकाव में आ गई, उसके कहने में वो चली गई। अब आप कैसे न्याय चाहते हैं, क्या लगता है आपको, कैसे आपको बेटी को न्याय मिल सकता है? बस यहाँ के बस प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छुड़ाएं, मैं नहीं कहता वो छुड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जाँच करवा दें, बस ये सब साफ हो जाएगा, दूध दूध पानी के पानी की वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। उसका कल फूल आया तो हम बेचैन हो गए, कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पी है, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्ची ने? बच्ची बस यही रो के बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो, कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है उनको, 20 सितंबर जी हाँ, आज वो है कल आए थे उसके फूल, तो वो करती है तो हाँ हमको पैसा जमा करना पड़ता है, वो वहाँ फूल होती है, हमारी बात होती है विवाद में 2 दिन में होती रहती है। जी हाँ, 100 दिन हम जमा करते हैं महीने में, करीब 150 हो जाते हैं 100, जैसे मैंने बेटे से कहा कि कब माफ किया, हमारी तरफ रखिएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाजरा। नाजरन? नाजरा नाम है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी, उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई, एनजीओ के जरिए से आगरा वाले अजय नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका, उसके उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ हम भी आ रहे हैं इलाज करवा देंगे, वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई, दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था, यहाँ से लेके गया तो वो आगरा भेज दिया उसने। क्या जुनैद आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर? उजैर आगरा का रहने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ पहुँच गई, फिर वो 1 साल तो अच्छे से रही, उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फूफी पप्पा है, उनके बच्चा हुआ तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया, जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए, 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए बच्चा ख़त्म हो गया। लड़की ने बल्कि फ़ोन करा, वो सर्विस करती है माँ, बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती है, लड़की ने फ़ोन करा 1 घंटा के बाद, फिर बच्चा दो रहा इंजेक्शन लगवा के, जब से आई हूँ आप आके देखिए, बोली दूध पिला दो वो सही हो जाएगा, दादी मौजूद थी सामने उनकी, फिर आगे बोली चुप हो जाएगा दूध पिला दो, बच्ची ने दूध, दादी ने दूध बनाया, बच्ची ने दूध पिलाया, वो जब सोगी शांत होगी सोगी है तो उसने लगा दिए, अब उसके ऊपर आरोप भी 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया, हाल के हाल नहीं फंसाया, 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा, वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पर ना शक है, ना हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे, और हम मट्टी देना चाहते, पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने, तो पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो, बच्ची को 2 महीने के बाद 2-4 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिए। फिर आपको भी क्या पता चला? फिर जब
लोगों ने दो दिन मारा, खाने को नहीं दिया। उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब ना कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसका कट लगाया सर, मारा, कपड़े खाए बच्ची के। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा, जबरदस्ती कबूल नाम करा, जबरदस्ती घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई सर। फिर जब 10-12 दिन फोन नहीं आया, फिर आगरा वाले से हम लोग फोन करके पूछ रहे, बोले हमें मालूम नहीं है, हमारी भी बात नहीं हो रही, फोन नहीं लग रहा हमारी बात। तो लड़की नहीं, 12 दिन बाद वहीं से थाने से फोन करा कि पापा हमें ऐसा ऐसा करा, हमें फंसा दिए, पापा हमें बचा लिए। फिर आपको क्या पता चला कि वहाँ क्या हुआ बच्ची के साथ? जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया, जबरदस्ती कहलवाया, तो हमने कह दिए कि हाँ। फिर वहाँ की सरकार ने क्या एक्शन लिया बच्ची? सरकार ने ये लिया कि लड़की का वहाँ कोई नहीं है, वहाँ पैदवी के लिए कोई नहीं है सर, उन्हीं गए तो उन्हीं की सुनाई हुई, हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं, जो उन्होंने लिखवाया था। बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची को सजा सुनाई गई है, क्या सजा सुनाई गई? फांसी की सजा सुनाई गई। फिर अभी क्या पता चला? हाल ही में अभी फोन आया था आपको, क्या पता चला? कल उसने बात की, बता रही थी कि पुलिस वाले आए थे, लेकिन तारीख सजा हुई 21 सितंबर को, इसी 21 सितंबर फांसी की सजा होनी, फांसी की सजा हुई। तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। बच्चे का चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने की बात की है, वहाँ कसम मानी जाती है अदालत में उसने कसम खाई चचा ने उसकी कि हाँ हमारे सामने मारा है। जब यहाँ था तो कम से कम सरकार उसका टिकट तो देख लेती, कौन टिकट से आया है, क्या तारीख को आया, क्या तारीख को, कुछ कोई क्या चाहती है, क्या मांगे आप? हम ये मोदी, हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी की बेटी है। तो मुगला, ये हमारे यहाँ पे एक गोरा मुगली गांव है, वहाँ की एक बेटी है, उसका दुबई में उसको फांसी हुई, फांसी का एक मुद्दा लगा, लेकिन उनका एक कहना ये है कि हमने 3 महीने पहले एक FIR दर्ज मडो थाने में कराई थी कि उबेर कांड का व्यक्ति जो उसको यहाँ से बहला फुसला के और दोस्ती मतलब फेसबुक में हुई थी जैसे भी हुई थी ले गया था, तो उस पर कोई कार्रवाई मतलब क्या कार्रवाई हुई, अगर कोई कार्रवाई हुई थी तो शायद घटना नहीं। देखिये, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मुठिया मटौन थाने के अंदर, और जो ये सजा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है, उसमें जो इनका आरोप था कि उसने जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है, यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उस लाख उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या? इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही हैं, सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था, सारी तिथियों के उनके बयान के लिए भी उसने ऑर्डर किया हुआ है, और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसमें निश्चित कार्रवाई होगी।